दोस्तों डंकी मूवी के ऊपर जो है वो भाई साहब करीना कपूर का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर करीना कपूर बोलती हुई देखने को मिली है कि शाहरुख खान इस बार काफ़ी बड़ी तबाही करने वाले हैं, और इसी के साथ ये लग रहा है कि शाहरुख खान इस बार काफ़ी बड़े जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस साल के अंदर शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहा है, और उस हिसाब से ये लग रहा है कि डंकी के तो शाहरुख खान काफ़ी बड़ी तबाही करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरीके की जो डंकी मूवी की हाइप बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर लुटफुट गया सॉन्ग उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर हमको डंकी का जो टीज़र देखने को मिला है उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये जो मूवी होने वाली है ये काफी बड़े जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक करती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये है कि डंकी के साथ जो हमको सलार रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी, सलार की भी काफी ज्यादा हाइप है, फैंस काफी ज्यादा सलार के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि डंकी वर्सेस सलार क्लैश के अंदर कौन सी मूवी जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी वाली बाजी मारती हुई दिखाई देती है। और बात की जाए शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान ने जो कि जवान और पठान के अंदर जिस तरीके से जो पछाड़ा है बॉक्स ऑफिस को, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इस बार डंकी की हाइप काफी ज्यादा होने वाली है, और डंकी जो है वो यहाँ पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी डंकी के अंदर बताई जा रही है उसको सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि डंकी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी बड़े जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर हमको ब्रेक करती हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पर सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर अपने नाम करती हुई भी दिखाई दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पर डंकी को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि ये मूवी जो पीके और थ्री इडियट से भी काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर साबित हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस मूवी की हाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, शाहरुख खान के फैंस इंतजार कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या सीन होते हैं दोनों क्रेश के अंदर, कौन सी मूवी जो यहाँ पर सबसे बड़ा कलेक्शन करती हुई दिखाई दे सकती है, ये सब दोनों मूवीज के अंदर कौन सी मूवी जो है सबसे बड़ा कलेक्शन करती हुई दिखाई दे सकती है, ये अब देखना जो है बाकी है। वैसे ये थी छोटी सी वीडियो यहाँ पर डंकी के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, और यहाँ पर डंकी सलार और आने वाली जो भी मूवी है उनके बारे में अपडेटेड ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ पर जो कि डंकी सलार और फाइटर एनिमल जैसी मूवीज की जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हरे कृष्णा राधे राधे।